सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। वीडियो में मैं आपको पीछे का राउंड डीप नेक बनाना बताऊंगी और उसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको मैं ये बताऊंगी, जिससे आपके गले में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और आपका गला बहुत सफाई से बनेगा। और खास तौर से ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अभी सिलाई सीखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पीछे का जब हम डीप गला बनाते हैं तो उसमें काफी प्रॉब्लम आती है और उसमें झोल भी आ जाता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करते हैं। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर काटिए और अगर ठीक पहनते हैं तो 3 इंच पर काटिए। तो मैं 3 इंच पर यहाँ एक निशान लगा रही हूँ और इसकी जो गहराई है आप उसको जितनी ज्यादा रखना चाहें उतनी रख सकते हैं, 9 इंच भी रख सकते हैं, 9.5 इंच भी, और आप अगर इससे भी ज्यादा पहनते हैं तो इससे भी ज्यादा रख सकते हैं। तो मैं 9.5 इंच इसकी गहराई रख रही हूँ और यहाँ पर भी हम एक 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन दोनों निशानों को पहले हम इस तरह से मिला देंगे। और फिर हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। और हम इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद हम ओरेब पट्टी काटते हैं और ये पहले से ही ओरेब कटी हुई है। और जो इस पट्टी की हम चौड़ाई लेंगे, ये खास तौर से ध्यान रखने की बात है, ये केवल हम 1 इंच या इससे 1 पॉइंट आप ज्यादा रखिए बस। इस पट्टी की चौड़ाई हमें ज्यादा नहीं लेनी है और इसको हम इस तरह से काट देंगे केवल इतनी चौड़ाई में। इसके बाद देखिए हम पट्टी लगाएंगे अपने गले पर ये, और ऊपर से मैंने इसको काट के सीधा कर दिया और पट्टी को, और इसको हम इस तरह से लगाएंगे। इसको हमें ना तो खींचना है और ना लूज छोड़ना है, इसको हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है, क्योंकि अगर हम इस पट्टी को खींचते हैं तो हमारा गले में थोड़ा झोल सा आ जाता है। और इसको बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए और बराबर बराबर दबाते हुए हमें पूरे गले पर इस पट्टी को लगाना है। और जहां हमारी ये गोलाई आएगी वहां से हमें मशीन को उठा उठा के इस तरह से इस पर सिलाई लगानी है। देखिए ये इस तरह से हमारी ओरे पट्टी लग गई है और ये हमारी बहुत सफाई से पट्टी लगी है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम ओरे पट्टी की साइड इस तरह से करते हैं और इस पट्टी को हम इस तरह से मोड़ेंगे। और ये जो हमारा ये पट्टी दिखाई दे रही है इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई जितनी कम होगी हमारे गले में उतनी ज्यादा सफाई आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम अंदर की साइड मोड़ेंगे। अगर आपको पट्टी की चौड़ाई ज्यादा लग रही है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा काट भी सकते हैं पहले। तो हमें यहाँ पर इस पट्टी पर इस जगह सिलाई लगानी है, गले के ऊपर सिलाई नहीं आनी है। देखिए हमारी ये पट्टी जो हमने अंदर को मोड़ी है, देखिए आप देख सकते हैं काफी बारीक ये है, और जितनी हम इसको बारीक रखेंगे हमारे गले में उतनी ज्यादा सफाई आएगी। और जब आप यहाँ पर सिलाई लगाएं तो आप अपनी सिलाई को थोड़ी बड़ी कर सकते हैं। और ये जो हम सिलाई लगाएंगे ये हमारे गले पर नहीं आनी चाहिए, केवल पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, और ये कपड़ा हमारा इधर होना चाहिए। और इस तरह से पूरे गले पर हमें सिलाई लगानी है। और ये देखिए ये पट्टी मैंने अंदर को मोड़ के, ये देखिए ये जो सिलाई है हमारी बिल्कुल पट्टी के इस साइड किनारे पर है और यहाँ पर हमें ये सिलाई लगानी है। और अगर आप छोटा गला भी बना रहे हैं पीछे का तो भी आप
अगर बारीक पट्टी लगाएंगे तो आपकी गले में काफी सफाई आएगी। देखिए इसके बाद हम इस पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारी से थोड़ा हटके और बड़ी सिलाई करके हमें यहाँ पर लगानी है चारों तरफ। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे किनारी से थोड़े हटके और ये सिलाई हमारी बड़ी होगी। इसको आराम आराम से अंदर की साइड को मोड़ेंगे। ये हमारा गला बहुत ही सफाई से बना है, ना तो इसमें कहीं झोल है और ना इसमें कहीं खिंचाव है। और आप ये गला इसी तरह से बनाएं और हमेशा उस पर बारीक पट्टी लगाएं। और उसके बाद देखिए हम इस पर तुरपाई कर लेंगे उल्टी साइड में यहाँ पर गले के ऊपर, और इस कच्ची सिलाई को जो हमने बाद में लगाई है इसको फिर हम उधेड़ देंगे। देखिए इस गले पर मैं आपको पाइपिंग लगाकर बता रही हूँ और इसकी कटिंग बिल्कुल सेम तरीके से हुई है जैसे मैंने पहले गले की कटिंग की थी। इसके लिए भी हम पहले ओरेप पट्टी काटते हैं और इस ओरेप पट्टी की चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है और ये भी पहले से ओरेप कटी हुई है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके पास कपड़ा कम नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपकी ओरेप पट्टी में जोड़ ना हो जब आप पाइपिंग लगाएं, तो आपकी पाइपिंग ज्यादा सफाई से लगेगी। और अगर कपड़ा कम है तो मजबूरी है, आप जोड़ भी लगा सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है और आप 2 इंच की पट्टी काटें इस तरह से। कि इस और पट्टी को हम बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे और तब हम इसको इस तरह से लगाएंगे। और इस पट्टी को हमें लूज नहीं छोड़ना है और इसको हमें खींचना भी नहीं है, बहुत हल्का सा खींचना है, बिल्कुल हल्का सा, और तब इसको हम लगाएंगे। और इसी तरह से जैसे हमने वो पट्टी लगाई थी, जहां जहां हमारी गोलाई आएगी वहां वहां हमें मशीन को उठा उठा के इस पट्टी को लगाना है इस तरह से। और बिल्कुल गोलाई में हमारी ये लगनी चाहिए, यानी हमारी ये सिलाई कहीं से जिगजैग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। और हम अपने गले पर जब भी कोई पट्टी लगाएं या हम अपने गले पर कोई भी डिजाइन बनाएं तो अपने गले को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, एकदम नॉर्मल रखना है, नहीं तो हमारे गले में झोल आ जाएगा। और ये देखिए जो ओरे पट्टी हमारी है इसको भी हमें नहीं खींचना है, बल्कि नॉर्मल ही रखना है इसे भी, नहीं तो हमारे गले में झोल और खिंचाव आ जाएगा। देखिए ये ओरे पट्टी लगाने के बाद हम इसी तरह से इस कपड़े को ओरे पट्टी की साइड रखते हैं जैसे हमने अपने पहले गले में रखा था, और इस पट्टी को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हैं। और आप इस पाइपिंग को जितनी बारीक रखना चाहो उतनी बारीक रख सकते हैं, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं, मोटी भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी ये पाइपिंग पूरी एकदम बराबर होनी चाहिए, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। ये सिलाई हमें पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी है, कपड़े के ऊपर लगानी है। और जो धागा है वो भी हमें अपने कपड़े के कलर का लेना है। इस तरह से इसको हम अंदर को मोड़ते जाएंगे मशीन को उठा उठा के, और ये पाइपिंग लगाते जाएंगे। मशीन को उठा उठा के हम अपनी इस पाइपिंग को अंदर को मोड़ते जाएंगे और बराबर बराबर में सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल। बस हमें ये ध्यान रखना है हमारी सारी पाइपिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इस तरह से देखिए ये हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पाइपिंग लग गई है। और देखिए ये हमारा बिना पाइपिंग का गला है
और आप देख सकते हैं हमारा गला बहुत ही सफाई से बना है और बहुत सुंदर लग रहा है, और इसमें कहीं भी जरा भी खिंचाव या जरा सा भी झोल नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।